नमस्कार दोस्तों, अवध की नगरी से और नवाबों के शहर से लखनऊ से मैं डॉक्टर मनीष कुमार वाजपेयी, यूनिवर्सिटी डिप्टी लाइब्रेरियन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से फ्राइडे फेवर्स में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, कहानियां किस्से ये समाज का एक आईना होती है और वह मेरी आपकी सबकी कहानी किसी न किसी कथाकार के कलम से या उसकी नजर से हमारे सामने रखी जाती है। आज इस मंच पर, फ्राइडे फेवल्स पर, मैं अपनी ये कहानी लेकर आया हूँ जो प्रियदर्शन जी के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रीति शारदा जी को और फ्राइडे फेवल्स की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वह एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक रीडिंग हैबिट डेवलप करने का ये एक अच्छा माध्यम है और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने रीडिंग मिशन 2020 को स्टार्ट किया था और अभी रिसेंटली हम लोगों ने 19 जून 2020 को एनुअल रीडिंग डे भी सेलिब्रेट किया है पूरे देश में। निश्चित रूप से इस तरह के मिशन को यह फ्राइडे फेवल्स एक नया आयाम देने जा रहा है। बहुत बहुत बधाई हो फ्राइडे फेवल्स की पूरी टीम को, विशेषकर डॉक्टर प्रीति शारदा जी को, उनके इस विचार को, उनके इस कार्य को। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज प्रियदर्शन जी की एक कहानी को लेकर आया हूँ जिस कहानी का शीर्षक है बारिश, धुआं और दोस्त। दोस्तों, प्रियदर्शन जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रियदर्शन जी एक बहुत ही स्वाभाविक कथाकार हैं, कहानीकार हैं, कवि भी हैं और उनका रंगमंच से वो जुड़े रहे हैं। वो मीडिया से जुड़े हुए लेखक हैं। उनका जो जन्म है वह 21 जून 1968 को रांची में हुआ था और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनके उसके हिस्से का जादू है, उन्होंने आलेख संग्रह लिखा, उन्होंने कहानी संग्रह लिखा, उन्होंने आलोचनाएं भी गद्य में की हैं, उन्होंने अनुवाद किए हैं बहुत ही चर्चित उपन्यासों को, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन है उसको उन्होंने अनुवाद किया है, टॉर्चर एंड डैम्ड रॉबर्ट पेन का है उसको उन्होंने अनुवाद किया है, पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी डायरीज को उन्होंने किया है। और उनके इसी उत्कृष्ट कार्य के लिए एक कहानी संग्रह उनका आया था, उसके हिस्से का जादू, उसके लिए उन्हें बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार, स्पंदन पुरस्कार 2009 से उनको नवाजा गया था। तो वह एक बहुत ही उत्तम दर्जे के लेखक हैं और कथाकार हैं। प्रियदर्शन जी की यह जो पुस्तक है वो राधा कृष्ण पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई थी, जो कि एक हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रकाशक हैं। दोस्तों, मैं बिना देरी किए हुए आपके बीच में उनकी एक कहानी का संग्रह जो है बारिश, धुआं और दोस्त, इस संग्रह के बारे में बता दूं कि इसमें सिर्फ 10 कहानियां हैं इस संग्रह में और यह 10 कहानियां विगत 5 वर्षों में प्रियदर्शन जी के द्वारा लिखी गई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने इत्मीनान से, कितने प्यार से और कितनी फिक्र से उन्होंने इन कहानियों का संग्रह किया है। मैं एक कहानी उस वर्ग की आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जो शहरों में काम करते हैं, बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं और ऐसे व्यवसाय में काम करते हैं जिसमें रात और दिन का ठिकाना नहीं रहता है, उसी के एक आवरण को मैं प्रस्तुत करता हूं और उस कहानी का जो शीर्षक है पुनः मैं आपको बताना चाहता हूं, बारिश, धुआं और दोस्त। कहानी इस प्रकार से है कि वह कांप रही है, बारिश की बूंदें उसके छोटे से ललाट पर चमक रही है। सोचा नहीं था कि बारिश इतनी तेज होगी और हवाएं इतनी ठंडी। उसकी आवाज में बारिश का गीलापन और हवाओं की सिहरन दोनों बोल रहे हैं। मैं खामोश उसे देख रहा हूं। वह अपनी कांपती उंगलियों जीन्स की जेब में डाल रही है।
उसने टटोल कर सिगरेट की एक मुड़ी सी पैकेट निकाली है। सिगरेट भी उसकी उंगलियों में कुछ गीली सी हरती लग रही है। उसके पतले होंठों के बीच फंसी सिगरेट कसमक आती है। इसके पहले लाइटर जल उठा, फिर धुआं है जो उसके कोमल गीले चेहरे के आसपास फैल रहा है। आपको मेरा सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता ना, उसकी कोमल आवाज ने मुझे सहलाया। यह जाना पहचाना सवाल है, जब भी वह सिगरेट निकालती है यह सवाल जरूर पूछती है, जानते हुए कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन क्यों पूछती है? मत दो जवाब। इस बार कुछ अकड़ के साथ उसने धुआं उड़ाया। मैं फिर मुस्कुराया। आपकी प्रॉब्लम यही है, बोलोगे तो बोलते रहोगे, चुप रहोगे तो बस चुप हो जाओगे। मैंने अपनी प्रॉब्लम बनाए रखी, चुप रहा तो चुप रहा। वह झटके से उठी, लगभग मेरे मुंह पर धुआं फेंकती कुछ इटलाती सी चली गई। सिगरेट की तीखी गंध और उसके परफ्यूम के भीनेपन ने कुछ वही असर किया जो उसके पतले होंठों पर दबी पतली सी सिगरेट किया करती है। यह मेरे भीतर एक उलझती हुई गांठ है जो एक कोमल चेहरे और एक तल्ख सिगरेट के बीच तालमेल बनाने की कोशिश में कुछ और उलझ रही है। हमारे बीच 18 साल का फासला है। 42 का हूं मैं, 42 का हूं और वह 24 की। बाकी फासले और बड़े हैं, फिर भी हम करीब हैं क्योंकि इन फासलों का एहसास है। कौन सी चीज हमें जोड़ती है? क्या वे किताबें और फिल्में जो हम दोनों को पसंद हैं, या वे लोग और सहकर्मी जो हम दोनों को ना पसंद हैं, या इस बात की एक तरह की बेपरवाही कि हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद है? आखिर मेरी नापसंद के बावजूद वह सिगरेट पीती है, फिर पूछती भी है मुझे अच्छा लगता है या नहीं। मैं कौन होता हूं, टोकने वाला? टोकर देखूं, अगली बार देखता हूं। इतना पसीना कभी उसके चेहरे पर नहीं देखा। वह थकी हुई है लेकिन खुश है। सूट से लौटी है। पता है, राहुल गांधी से बात की मैंने। अच्छा, आज तो जम जाएगी रिपोर्ट। रिपोर्ट नहीं, कमबख्त कैमरामैन पीछे रह गया था। मैं घेरा तोड़कर पहुंच गई थी उसके पास। क्या कहा राहुल ने? कहा कि तुम तो जर्नलिस्ट लगती ही नहीं हो। वाह, क्या कॉम्प्लीमेंट है और क्या खुशी है। मैं हंस रहा हूं, उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके हाथ जींस की जेब टटोल रहे हैं, फिर एक सिगरेट उसके हाथ में है और जलने से पहले धुआं मेरा चेहरा हो गया। उसे एहसास है। वह फिर पूछेगी, उसने पूछ लिया, आपको अच्छा नहीं लगता ना? क्या? मैं जानबूझकर समझने से बचने की कोशिश में हूं। मेरा सिगरेट पीना वह बचने की कोशिश में नहीं है। मैं बोलूं, फेंक दो तो फेंक दोगी? मेरे सवाल में चुनौती है। हाँ, उसके जवाब में संजीदगी है। फेंक दो, मेरी आवाज में धृष्टता है। उसने सिगरेट फेंक दी है। मैं अपनी ही निगाह में कुछ छोटा हो गया हूं। अक्सर ऐसे मौकों पर वह हंसती है लेकिन वह हंस नहीं रही है। उसके चेहरे पर वह कोमलता है जो अक्सर मैं खोजने की कोशिश करता हूं। उसे बताते बताते रह जाता हूं कि जब उसके हाथ में सिगरेट होती है यही कोमलता सबसे पहले जल जाती है। लेकिन यह कोमलता अभी मुझे खुशी नहीं दे रही है। अपना छोटापन मुझे खल रहा है। दूसरी सुलगा लो। वाह, मेरे 2.5 रुपए बर्बाद कराकर बोल रहे हो, दूसरी सुलगा लो। फिर मना क्यों किया था? वह हंसने लगी। जवाब स्थगित है, मैं चाहता हूं वह कोई उलाहना दे। कहे कि मैं पुराने ढंग से सोचता हूं लेकिन वह चुप है। हम दोनों चुप्पी का खेल खूब समझते हैं। चुप्पी जैसे हम दोनों की तीसरी दोस्त है। उसकी उम्र क्या है नहीं मालूम। कभी वह 42 की हो जाती है, कभी 24 की। लेकिन वह फासला बनाती नहीं, मिटाती है।
हमारे बीच चुप्पी नहीं होती तो क्या होता? शब्द होते वे दूरी बढ़ाते या घटाते? वह जा चुकी है, उसके पास ऐसे सवालों से जूझने की फुर्सत नहीं है। वह एक अच्छे वाक्य की तलाश में है, इतनी संजीदा जैसे बरसों से तप में डूबी हो। उसे एक कहानी हाथ लगी है। कहानी क्या होती है, एक बार उसने पूछा था। वह चीज जिसके आईने में हम जिंदगी का को नए सिरे से पहचानते हैं। सवाल खत्म नहीं हुआ, कहानी कहाँ से मिलती है? जिंदगी को करीब से देखने से रुक कर, ठहर कर, लगता है वह जिंदगी को बेहद करीब से देख कर आई है। उसके चेहरे पर जर्द जर्द सच्चाई है, उसकी कांपती उंगलियां स्क्रीन पर एक शब्द लिखती हैं और मिटाती हैं। मैं पीछे खड़ा हूं, कहां से शुरू करूं? सवाल में कुछ बेचारगी है, कुछ मायूसी। क्या हुआ? माँ बेटे का मामला है। बेटा 2 साल से पिता के पास, अब 11 बरस का है। माँ अदालतों के चक्कर काटती रही, अब सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को माँ के पास जाने का आदेश दिया है। सही फैसला है। पता नहीं उसकी आवाज में मायूसी है, क्यों? महिलाओं के हक की तो बस बात सबसे ज्यादा उठाती हूं तुम। यह ताना सुनने की फुर्सत उसे नहीं है। वह कहानी खोज रही थी, जो कहानी मिली है वह उसने बताया है। जीवन सरलीकृत रिश्तों से नहीं बनता है, यह इतना आसान नहीं है। माँ जब बेटे को अदालत से लेकर जा रही थी, लग रहा था जबरदस्ती ले जा रही, बच्चे को जैसे एक अनजानी औरत खींच कर ले जा रही हो। माँ को विलेन बनाओगी? नहीं, माँ भी अपनी जगह ठीक है, उसे अपना बच्चा चाहिए, वह उस बच्चे से प्यार करती है। फिर गलत कौन है? आपने कहा था ना एक दिन, गलत यह समय है जिसमें हम और तुम जी रहे हैं। तुम यहीं से शुरू करो, कैसे वक्त ने माँ और बेटे को अजनबी बना डाला। ठीक है, वह अनमनी है। जब कहानी मिली तो वैसी मिली जिससे आंख मिलाने से वह बच रही है। उसकी आंखों में अटके हुए 2 बड़े-बड़े आंसू, उसे कोई ना देखे मैं दूर चला जाता। बाहर धारासार बारिश हो रही है, आसमान में जैसे काले हाथी दौड़ रहे हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक कड़कती बिजलियों के पीछे धरती से आकाश तक मोटी मोटी बूंदों की एक तूफानी झालर टंगी हुई है। यह झालर कभी कभी हमारे चेहरों तक चली जाती है, हमारी उंगलियां कभी कभी उस झालर को छू लेती हैं, हमारी निगाह आसमान पर है। खिड़की से दिखते छोटे से आसमान पर, जानती हो जब अचानक इस तरह मौसम खराब होता है तो मुझे लगता है किसी के घर कोई दुख घटा है। अरे आप तो बड़े रेशनलिस्ट हैं, ऐसी बातों पर कब से भरोसा करने लगे? भरोसा नहीं करता, बस सोचता हूं शायद मेरी कई तकलीफों की याद जुड़ी है ऐसी घनघोर बारिश से। पता है जब शाम को धूल का अंधड़ होता है तो मुझे क्या लगता है? अरे तुम भी इस तरह प्रतीकों में सोचती हो? मेरे सवाल का जवाब देना उसकी आदत नहीं, बस वह अपनी बात कह देती है। ऐसे मौसम में लगता है जैसे किसी ने किसी को धोखा दिया हो। अच्छा, क्यों लगता है ऐसा? इतना ही नहीं पता है, अचानक मुझे लगता है मैं बहुत कमीनी हूं, किसी को धोखा दे सकती हूँ। मैं उसका चेहरा देख रहा हूँ, एक मासूम गोल चेहरा, हंसती हुई आंखें भी मासूम, न जाने एक भूख सी मेरे भीतर उठती है। क्या ये काले काले हाथी, ये बूंदों के झालर, ये सिहरती हवा फिर मेरे लिए अपनी पोटली में कोई दुख छुपा कर लाए? लेकिन कैसा दुख, किस बात का? ये लड़की मुझसे छल करेगी, कैसा छल? मेरा तो इससे कोई वास्ता भी नहीं। वह जोर से हंस रही है, लगभग बेकाबू, अपने आप से बेपरवाह। ऐसी हंसी अच्छी भी लगती है और हैरान भी करती है। एक जोक सुनाऊं? जोक सुनाओ। एक मंदिर था, वहां जाने वाले की नियत अगर खराब हो तो वह गायब हो जाता है। शाहरुख खान गया, गायब हो गया। सलमान खान गया, वो भी गायब हो गया।
उसके बाद बिपाशा बसु गई, इस बार पता है क्या हुआ, भगवान ही गायब हो गए। इस बार साझा हंसी है, ऐसी वाहियात चुटकुले कहाँ से लेकर आती हो? रोहित सुनाता है, उसने और वाहियात चुटकुले सुनाए हैं, आपको नहीं सुना सकती। मेरी हंसी में एक ग्रहण सा लग गया, एक काली छाया, रोहित से इतनी घनिष्ठता का मतलब क्या है? लेकिन मैं कौन होता हूँ टोकने वाला, मैं अपनी मेज का सामान सहजने लगता हूँ। उसकी भी हंसी रुक गई है, वह चुप है, मुझे देख रही है। यह वह चुप्पी नहीं है जो हमारी तीसरी सहेली है, यह दुविधा से भरी चुप्पी है। उसे एहसास है चुटकुले की हंसी भाप बनकर उड़ गई है, हमारे और उसके बीच रोहित के जिक्र की राख बैठी है। वह इस राख में और राख मिलाने जा रही है। फिर से उसके हाथ में सिगरेट है, दूसरा हाथ लाइटर टटोल रहा है। इस बार उसने नहीं पूछा मुझे उसका सिगरेट पीना अच्छा लगता है या नहीं। क्यों पूछूं मैं, मन खराब हो गया, इतने सीनियर हैं, इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतना कुछ जानते हैं, इतनी छोटी सी बात नहीं समझते, लेकिन ऐसा क्यों है? किस बात से नाराज हुए वो? क्या चुटकुला शरीफ लोगों का नहीं था या उन्हें पसंद नहीं था? रोहित ने मुझे चुटकुला सुनाया, क्यों नहीं सुना सकता? मैं 24 की हूं, मैं 24 साल की हूं, जानती हूं मुझे क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना चाहिए। यह भी तय कर सकती हूं कौन मुझसे किस तरह की बात करे, और रोहित पहले भी तो इस तरह की बात करता रहा है। रोहित का ख्याल बरबस मुस्कुराहट ला देता है मजेदार, एक से एक किस्से सुनाता है। ऐसे किस्से तो मैं सर को भी नहीं सुना सकती, जब वो सुनेंगे तो मुझसे बात करना ही छोड़ देंगे, छोड़ो जाने दो, रोहित का ख्याल दिल खुश कर देता है। मेरे भीतर गुस्सा भाव बनकर उड़ने लगता है, वैसे सर ने भी ऐसा कुछ कहा तो नहीं है, बस कुछ उदास हो गए होंगे कि रोहित भी मेरा घनिष्ठ है। इतनी जलन तो सब में होती है, जाने दो, वैसे सर भी अच्छे हैं, सीनियर है लेकिन दोस्त की तरह पेश आते हैं, कल वादा किया है कॉफी पिलाएंगे, कॉफी का नहीं उनकी लगातार बोलते रहने का सुख, उनको सुनना अच्छा लगता है। कल फिर उनके सामने सिगरेट सुलगाऊंगी लेकिन पूछ लूंगी, इतने भर से खुश हो जाएंगे, कितना चालाक हूं मैं। रात है, बाहर चमकती हुई रोशनियां हैं, कार के भीतर जगजीत सिंह की गजल है, शीशे चढ़ा दो कार एक कमरे जैसी हो जाती है, मस्ती में गप करो, गाना सुनो, ये गाना नहीं गजल है, जो गाया जाए वो गाना है, गजल क्या होती है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ऐसे तानों की उसे आदत पड़ चुकी है। वह खिड़की से बाहर देख रही है, एक दफ्तर से घर लौट रहे है, पता है आज वो स्टोरी हेडलाइन बनी, कौन सी, वही माँ बेटे वाली, 11 साल के बच्चे से 9 साल के बाद मिली माँ, आपने बहुत अच्छी शुरुआत करा दी थी, स्टोरी भी धातु थी, लेकिन वह फिर अनमनी है, क्या हुआ, हम इतनी खबरें क्यों दिखाते हैं, क्या फायदा है इससे, मतलब किसी दूसरे की जिंदगी में झांकना, पूछना रिश्ता तोड़ते या जोड़ते हुए कैसा लग रहा है, कभी कभी मुझे रोने का मन करता है। तुम्हें, तुम तो बस रुलाने की एक्सपर्ट हो, लेकिन मेरी बात उसने सुनी नहीं है। याद है एक बार आपने मुंबई ब्लास्ट पर एक स्टोरी एडिट करने को दी, वक्त पर नहीं हुई तो बहुत डांटा था, मुझे याद है, मुंबई पर हुई आतंकवादी हमले में घायल एक बच्चे की कहानी थी, हमने प्रोमो चलाया था कि वह 6 बजे दिखाएंगे, वह समय पर दे नहीं पाए, पता है मैं क्यों नहीं दे पाई थी, उस पाव कटे बच्चे की आंखें देखकर मैं रोने लगी, एडिट वे से भागकर चाय पीने के बहाने नीचे चली गई थी, बताया क्यों नहीं, क्यों बताती, लेकिन पत्रकार को क्रूर होना पड़ता है, डॉक्टर की तरह, रोएगा तो काम कब करेगा, कैसे करेगा, मुझे ना पत्रकार होना है ना डॉक्टर, तो फिर आई क्यों इस फील्ड में, बस रोने के लिए, पता है इस माँ बेटे ने भी मुझे बहुत रुलाया, जब भी अपनी अनजान सी माँ का हाथ हमें बच्चे को उसके साथ घिसकते देखती हूँ तो रोने लगती,
बड़ी मुश्किल से आई थी। मैं उसे देख रहा हूं, ये लड़की हर बार जैसे कुछ नई हो जाती है, तो इसे मैंने पहले नहीं देखा है। एक बिंदास सी लड़की जो अपने एडवेंचरस मूड की वजह से टीवी में चली आई, बड़े घर की है, नई उम्र की है, दोस्तों के बीच खिलखिलाती है, कुछ अंग्रेजी उपन्यास पढ़ लेती है और मेरे पास अपनी स्टोरी चेक कराने चली आती है। खुद को मेरा दोस्त बताती है और हंसती है, सबसे बूढ़े दोस्त हो आप मेरे, यह रोती भी है। तस्वीरों में दिखता दुख इसे इतना छूता है। गाड़ी रेड लाइट पर, दोपहर होती तो तिल धरने की जगह ना होती, रात है इसलिए कम गाड़ियां हैं। मैं बाहर देख रही है, शीशा गिराइए, जल्दी से उसने बटन दबाया है। बाहर की उमस भरी हवा का झोंका भीतर आता है, क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब देने की जगह वह दूर एक बच्चे को पुकार रही, एक 9-10 साल के बच्चे को। वह ट्रैफिक सिग्नल पर गजरे बेच रहा है। तुम गजरा खरीदो? मैं हैरान, वह मेरा दोस्त है। तुम्हारा दोस्त? मुझे पता है वह, यह लड़का रोज यहां गजरा बेचता है। यह दोस्त अब शीशे के पास खड़ा है। सुनो, तुम कल मेरे लिए गुलाब के फूल क्यों नहीं लाए थे? मैं आपके घर गया था, आप थी कहां? लड़के का जवाब, अरे हाँ, मैं बहुत सुबह निकल गई थी, तुम्हारे घर पानी आया? मैं फिर पूछती, हाँ अब आ रहा है, सिग्नल रेड हो गया है, मैं असमंजस में हूं, कल सुबह जरूर ले आना फूल, फिर बात करेंगे। उसने शीशा चढ़ा दिया, मैंने गाड़ी बढ़ा दी। उसका दुख मंतर हो चुका है, चेहरे पर बिल्कुल बच्चों वाली हंसी है। जानते हैं आप मेरे सबसे बड़े दोस्त, ये मेरा सबसे छोटा दोस्त, रोज हमारी बात होती है। मैं अवाक हूं, पहले रोहित, अब ये बच्चा, न जाने कैसी है लड़की। मैं अवाक हूं, पहले रोहित और अब ये बच्चा, न जाने कैसी है ये लड़की और न जाने कैसा हूं मैं। मैं 42 का, वह 24। क्या हुआ जो मैंने, कभी कभी लगता है वह 42 की है और मैं 24। क्या हुआ जो मैंने इतनी ज्यादा किताबें पढ़ी? क्या हुआ जो उसने कम दुनिया देखी है? गाड़ी उसके घर के सामने खड़ी है, वह चाबियां झुलाती हुई उतर रही है, उसने हाथ हिलाया है, अब सीढ़ियां चढ़ रही है। कल मिलती हूं, मैंने गाड़ी बढ़ा दी है, देखें कल कौन सी लड़की मिलती है। बारिश, धुआं और दोस्त। मित्रों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप समझ सकते हैं कि प्रियदर्शन जी ने एक युवती के मना स्थिति को, एक पुरुष के मना स्थिति को किस तरह से व्यक्त किया है, उनके अंतर्मन को व्यक्त किया है, और एक रियल लाइफ से इस कहानी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इसे पढ़िए, यह संग्रह बहुत ही उत्कृष्ट है। और इस कहानी से हम अगर देखें तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रियदर्शन जी ने कहा कि ज़्यादातर हम लोग फर्स्ट हैंड में ही या कवर से ही कहानी के मजमून को पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर आदमी अपने जीवन काल में बहुत सारे चरित्र को जीता है और उन चरित्र को लेके मरता भी है, और उसी का यह एक उन्होंने आईना प्रस्तुत किया है समाज की स्थिति के बारे में भी, जो लोग काम करते हैं। मित्रों, इसी के साथ में मैं आज की इस फ्राइडे फेबल्स की कहानी को समाप्त की ओर ले जा रहा हूँ। पुनः मैं तहे दिल से डॉक्टर प्रीति शारदा जी का, फ्राइडे फेबल्स का शुक्रगुजार हूँ और उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में पढ़ने का जैसे शौक मर ही गया है, हमें इसे जिंदा करना है। रीडिंग मिशन 2022
टू को अचीव करना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।